हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी स्कूल पर। तो दोस्तों, हम जैसा कि अपना पॉलिटिकल लेक्चर ख़त्म करके और उसका उसके नोट्स पे काम हो रहा है, उसके अलावा हम लोग इतिहास का चैप्टर अपना इतिहास का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें मैंने पहला चैप्टर आपको बता दिया था पहला चैप्टर बता दिया है। अब आज दूसरा अभी जो है दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। अपनी अपनी किताबें खोल लें और इस चीज़ को समझने की बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि ये चैप्टर जो है समझने का भी है और थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, दोनों मिला के है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, समाजवाद और साम्यवाद एक तरह दिखते हैं और एक तरह का इनका उद्देश्य भी है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। इस चीज़ को जानने में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन मैं आपको आज अच्छी तरह समाजवाद और साम्यवाद के अंतर को, उसकी परिभाषा को, उसके साथ साथ समाजवाद की उत्पत्ति को, उसके अलावा समाजवाद का जब नाम आता है तो आप एक ही बार कहाँ पहुँच जाते हैं, कार्ल मार्क्स पे, मार्क्सवाद पे पहुँच जाते हैं। हाँ हाँ, ये सही है कि मार्क्स जो हैं समाजवाद के पितामह कहे जाते हैं, लेकिन समाजवाद उनसे पहले भी, समाजवाद की जो विचारधारा है उनसे पहले भी थी, व्याप्त थी दुनिया में और आज भी है। और उसके अलावा साम्यवाद पे जब हम आते हैं तो लेनिन पे आ जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट लेनिन को पढ़ने लगते हैं। लेकिन लेनिनवाद से पहले जो समाजवाद का जो एक जो मतलब साम्यवाद से पहले समाजवाद का जो रोल है साम्यवाद को लाने में, ये बहुत ही बड़ा है और लेनिन का बहुत बड़ा हाथ है साम्यवाद को स्थापित करने में, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे आज। उसके बाद हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत उनके जो नैतिक मतलब जो जीवन है प्राइवेट लाइफ उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम लोग 1917 की बोल्शेविक क्रांति, उसके पीछे का कारण, उसके बाद होने वाली जो मतलब बोल्शेविक क्रांति में लेनिन का योगदान क्या रहा है, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कुछ स्टालिन के, उसके बाद जो लेनिन के बाद स्टालिन के नेतृत्व होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपके किताब में है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा रूसी क्रांति का जो प्रभाव है, मतलब रूसी क्रांति यानी वही बोल्शेविक क्रांति का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा दुनिया पर, और रूस मतलब कि रूस किस तरह से दुनिया के सामने मतलब कि एक मजबूत देश के रूप में आया, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय मतलब प्रथम विश्व युद्ध में वो हार गया था, 1905 में भी हारता है, 1917 में भी हारता है। तो उस हार के बाद भी रूस किस तरह से अपने आप को एक तरह से संगठित करके और एक मजबूत देश के रूप में आता है, इन सब चीज़ों को एक ही चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला हम लोग का चीज़ है, जो मैंने बोला कि समाजवाद एवं साम्यवाद के का डेफिनेशन, उसका अंतर, तो समाजवाद और साम्यवाद के डेफिनेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसके मतलब कि उसके डेफिनेशन में ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उसके जो उद्देश्य हो जाते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैंने बोला कि समाजवाद और साम्यवाद का उद्देश्य जो है एक ही है। एक उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है जो सर्वहारा वर्ग है आपका। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं कि मतलब जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, और मतलब कि जो भी नीचे तबके के जो शोषित लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनके हक की बात करना, उनके अधिकार की बात करना और उनको किसी तरह मतलब कि उनको अधिकार दिलाना और सत्ता में लेकर आना। तो इसी उद्देश्य के साथ चलता है समाजवाद और साम्यवाद। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, तो समाजवाद की पहले बात करते हैं। तो समाजवाद जो है हमेशा से बात करता है एक मतलब कि ये वर्ग को नहीं मानता है कि ऐसा वर्ग है समाज में, ठीक है, लेकिन इस जो मजदूर वर्ग है, चाहे जो किसान वर्ग है, चाहे जो मतलब जो शोषित वर्ग कहते हैं, उसको हक दिलाने की बात करता है। कैसे, राज्य के थ्रू, मतलब कि राज्य जो है उसके लिए, जो मजदूर हैं, किसान हैं, चाहे शोषित वर्ग हैं, उसके हित के लिए काम करे, उसके अधिकार के लिए काम करे। इसके अलावा जो मार्क्स जो मतलब कि समाजवाद है, ये बात करता है हमेशा से राज्य की, मतलब कि राज्य का जो है संपत्ति, जो है संपत्ति पर अधिकार किसका है, राज्य का है, ठीक है। और इस मतलब कि समाजवाद का मानना है कि जो लोग हैं उनका जो ये होना चाहिए, जो यूज होना चाहिए, जो उनका उपयोग होना चाहिए, उनकी क्षमता अनुसार होना चाहिए समाजवाद में, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अगर कोई मजदूर अगर 8 घंटे काम करता है तो उसको 8 घंटे का ही मेहनताना देना चाहिए। उसका स्किल जो है अगर मतलब कि उस मुताबिक है कि उसको 5,000 रुपये देना चाहिए तो उसको 5,000 ही देना चाहिए। अगर कोई मजदूर 5 घंटे काम करता है तो उसको उस घंटे के अनुसार मजदूरी देना चाहिए, या उसके अंदर स्किल ऐसा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा उत्पादन क्षमता उसकी अच्छी है, ठीक है, मतलब मानव पूंजी के रूप में उसका उत्पादन क्षमता जरूरी था, वो मजदूर को 15,000 भी दे सकते हैं।
तो ये मतलब कि समाजवाद कहता है कि भाई जैसा मनुष्य है, जैसे उसकी उत्पादन क्षमता है, उसके अनुसार उसको क्या दिया जाए, मेहनताना दिया जाए, लेकिन सारे मजदूरों को, सारे किसानों को, सारे लोगों को क्या होना चाहिए, सारे लोगों को हक होना चाहिए, मतलब कि रोजगार पाने का, मतलब कोई भी वंचित ना रहे, कोई भी मतलब कि शोषित ना रहे, और कोई भी मतलब कि सत्ता से बाहर ना रहे, मतलब राज्य सब पे ध्यान दे, सब पे बराबर ध्यान दे, मतलब थोड़ा सा एक आदर्शवादी वाला जो होता है वो थोड़ा सा समाजवाद में ये देखने को मिलता है। अब उसके अलावा बात करते हैं साम्यवाद। साम्यवाद जो है ये बिल्कुल ही नकार देता है। ये एक्चुअली पहला जो इसका पॉइंट है समाजवाद और साम्यवाद में डिफरेंस, कि साम्यवाद जो है समाज में दो वर्गों को, मतलब कि मैंने बोला ना, समाजवाद जो है वर्गों वर्ग को नहीं मानता है, लेकिन साम्यवाद जो है दो वर्ग को मानता है। एक मानता है अपना शोषक वर्ग जो कि शोषण करता है, और एक होता है शोषित वर्ग। ठीक है, हमेशा से ये चला आ रहा है साम्यवाद का मानना है, कि हमेशा से ये चला आ रहा है, इतिहास से चला आ रहा है, कि एक शोषक वर्ग रहा है और एक शोषित वर्ग रहा है। उसके अलावा जो मेहनताना देने की बात है, चाहे मतलब कि संपत्ति की बात है, तो वो बोलता है कि राज्य है ही नहीं, वो राज्य को नकार देता है, राज्य को वो मानता ही नहीं है कि राज्य कौन होता है, जो है वो जनता है, मतलब मजदूर है, किसान है, जो भी मतलब लोग हैं वही हैं। ठीक है, और वही उन्हीं, उनको अधिकार अपना है, उनके संपत्ति पर अधिकार उनका अपना है। ठीक है, और उनको सबको क्या है कि किसी को भी किसी का शोषण करने का अधिकार या किसी के द्वारा शोषित होने का अधिकार नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, और सभी लोग राज्य के द्वारा नहीं, खुद के मर्जी से, मतलब कि खुद के मन से अपना मतलब कि सहभागिता निभाते हैं, अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं, और अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार अपना कमा रहे हैं। तो ये साम्यवाद और समाजवाद में अंतर है, बहुत लिटिल डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही मजदूर और किसानों की मतलब शोषण की ही मतलब की बात करते हैं, और उनसे छुटकारा पाने के उनके अधिकार की बात करते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस यही है कि एक राज्य के द्वारा चाहता है, समाजवाद जो चाहता है कि राज्य के द्वारा उनको हक मिले, और साम्यवाद चाहता है कि राज्य कोई है ही नहीं, राज्य के द्वारा नहीं, बल्कि अपने आप जो है, जो मजदूर वर्ग है चाहे जो शोषित वर्ग है, वो शासन करे, और मतलब कि राज्य का कोई उसमें रोल नहीं है। तो ठीक है, ये होती है बात समाजवाद और साम्यवाद में अंतर की, उनकी परिभाषा की। अब बात करते हैं समाजवाद की उत्पत्ति की बात, अब समाजवाद की उत्पत्ति की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि समाजवाद के बाद ही साम्यवाद आया है। ठीक है, समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अब उत्पत्ति कब होगी, ये आप मजदूरों के शोषण की बात कब करेंगे, किसानों के शोषण की बात कब करेंगे, औद्योगिक मजदूरों की शोषण की बात कब करेंगे, जब 18वीं शताब्दी में क्या होगा, औद्योगिक क्रांति होगी। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या, कि औद्योगिक क्रांति मतलब कि वहाँ पे क्या हो गया, सारे चीज़ों का, सारे फैक्ट्रीज में सारे जो मजदूर किसान चाहे जहाँ भी जो भी काम करता था, चाहे भारत में भी हुआ था उस समय 18वीं शताब्दी में, कि मशीनों का ज़्यादा यूज होने लगा था। ठीक है, मशीनों का जब ज़्यादा यूज होने लगेगा तो क्या होगा, किसान बेरोजगार होंगे। ठीक है, मजदूर क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। ठीक है, जो वो काम करते थे उनको मेहनताना मिलते हैं वो नहीं मिलेगी, उनके रोटी मतलब रोटी के लाले पड़ जाएंगे, कपड़े मतलब जो बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ के लाले पड़ जाएंगे, और वो उनको मनमाना रूप से बेगारी करवाया जाएगा, उनको मतलब कि बंधुआ मजदूर बनाकर उनको काम मिलाया जाएगा, उनको गुलाम बना लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होने लगेंगी। तो 18वीं शताब्दी में ऐसा ही कुछ हुआ जब औद्योगिक क्रांति आई, और औद्योगिक क्रांति आने के बाद ये सब डिफरेंसेस देखने को मिलने लगे, कि मतलब ये सब चीज़ें मतलब शोषण होने लगा किसानों का, मजदूरों का, और सारे जो चीज़ें हैं, सारी जो जॉब्स थी, सारी एक तरह से रोजगार कह सकते हैं, एक तरह से मतलब कि जो ये धंधा काम धंधा सब कुछ मतलब कि मशीनों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो इसके बाद शोषण होने लगा, और शोषण होने के बाद ही समाजवाद की उत्पत्ति आती है, और कुछ लोग उठ खड़े होते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे समाजवादी होते हैं जिन्हें यूरोपियन समाजवाद कहा जाता है, और दूसरा जो पड़ाव आएगा समाजवाद का वो मार्क्सवादी समाजवाद आएगा। यूटोपियन का अर्थ क्या होता है, यूटोपियन एक इंग्लिश वर्ड है, और इंग्लिश वर्ड इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपको आदर्शवादी। ठीक है, आदर्शवादी समाजवाद। तो आदर्शवादी समाजवाद क्या, आप समझ रहे हैं, आइडियल मतलब कि एक तरह से नहीं होता है कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विनम्र होते हैं, क्या अच्छा चलो मजदूरों का शोषण हो रहा है तो ये तो खराब बात है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि एक दिन होगा कि मतलब कि सरकार इस पर ध्यान देगी और सरकार इसको कर ले जाएगी, और समाज में क्या हो जाएगा, जो शोषक वर्ग है वो अपने आप कहीं ना कहीं नौकरी पा लेगा, और उनका रोजी
रोजी रोटी चलने लगेगा। तो ये एक मतलब कि एक सपना वाला जो होता है, सपना वाला जो दुनिया होता है, समाजवाद होता है, ये है आदर्शवादी समाजवाद, जो कि आप बैठे बैठे सपने देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा अपने आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप विचार दे रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक होता है यूटोपियन समाजवाद। अब मार्क्सवादी समाजवाद की जहां तक बात आती है, तो मार्क्सवादी समाजवाद को जानने से पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो होता है मतलब कि 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत में। ठीक है, जर्मनी के राइन प्रांत में होता है, वहाँ पे मतलब पिताजी अच्छा जॉब कर रहे होते हैं और उन पे जो प्रभाव होता है वो एक हीगल करके एक विचारक हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, मार्क्स पे उनका विचार बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। उसके अलावा टॉल्स्टॉय और रूसो आदि आदि को भी वो पढ़ रहे होते हैं, उनको जान रहे होते हैं, उनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा मार्क्स पे पड़ता है। ठीक है, इनके इन विचारकों का प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा वहाँ पे एक बहुत ही बड़े सुधारक होते हैं, समाज सुधारक एंगल्स करके, ठीक है, एंगल्स नाम होता है उनका, उनके साथ मिलकर जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और घोषणा पत्र, एक समाजवाद घोषणा पत्र करके एक चीज मतलब कि एक पत्रिका या कुछ प्रकाशित करते हैं। ठीक है, और वो दोनों काम करते हैं समाजवाद पे। ठीक है, उसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि 1867 में करीब करीब दास कैपिटल नाम का एक कार्ल मार्क्स एक किताब लिखते हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है, समाजवाद की बाइबल भी कही जाती है। इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपका कि दास कैपिटल रचना तो कार्ल मार्क्स ने की और कब की, 1867 में, और इसको क्या कहते हैं, समाजवाद की बाइबल। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन दिया। अब आते हैं कार्ल जो मतलब कि मार्क्सवादी समाजवाद है, यूटोपियन समाजवाद के बारे में हम लोग जाना कि वो लोग क्या थे, आदर्शवादी ज़्यादा थे, आदर्श के बारे में आदर्श की बातें ज़्यादा करते थे, स्वप्न मतलब कि स्वप्न दिवा स्वप्न देखने की बात करते थे। लेकिन मार्क्सवाद क्या कहता है, जो मैंने समझाया कि ये हमेशा बोलते हैं कि हक के लिए लड़िए, किसानों और मजदूरों के खिलाफ जो शोषण हो रहा है उनको सामने आना चाहिए, उनको क्या है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक चक्र चलता है मार्क्सवाद में, एक चक्र चलता है, वो बोलते हैं कि आज क्या है कि आज ये चक्र चल रहा है कि आज पूंजीपति वर्ग जो है शासन कर रहा है, अब ये चक्र चलेगा और एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन आएगा कि मजदूर वर्ग जो है, शोषित वर्ग जो है, मजदूर वर्ग जो है, वो एक दिन क्या करेगा, मतलब राज्य पे अधिकार करेगा, राज्य का शासन चलाएगा। उसके बाद फिर से एक दिन आएगा कि पूंजीपति वर्ग आएगा, फिर एक दिन आएगा कि किसान वर्ग या मजदूर वर्ग या जो ये सर्वहारा वर्ग है वो शासन करेगा। तो ये इनका कहना है, मार्क्सवाद का जो समाजवाद है इस तरह से, लेकिन राज्य चलता रहेगा, राज्य हमेशा रहेगा मार्क्सवाद में या मार्क्सवादी समाजवाद में, हमेशा क्या रहेगा, राज्य रहेगा, और राज्य के संचालन का जो भार है वो दिन मतलब कि वो काल दर काल बदलता रहेगा, ये कहना है इनका मार्क्सवादी समाजवाद का। अब बात करते हैं समाजवाद का, तो एक विचारधारा आ गई और समाजवाद की विचारधारा के बाद एक आ जाती है बोल्सेविक पार्टी करके, मतलब बोल्सेविक नाम दे दिया जाता है जो भी मार्क्स को मानते हैं या समाजवाद को मानते हैं, उनके द्वारा एक पार्टी बना ली जाती है और वो काम करता है कहाँ पे, 1917 के बोल्सेविक क्रांति में, रसिया के बोल्सेविक क्रांति में। यही बोल्सेविक क्रांति इसीलिए कहते हैं क्योंकि बोल्सेविक जो पार्टी के सदस्य हैं उनके द्वारा ही क्रांति, ये मतलब कि घर घर जाके और गली गली जाकर और मजदूर और किसानों को ये बढ़ोतरी मतलब कि उनमें मतलब कि ये संचार करते हैं कि आप लोग अपने हक के लिए लड़े, क्रांति करें। ठीक है, इसलिए बोल्सेविक क्रांति का नाम पड़ता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि 1900 जो भी क्रांति होती है उसके पीछे कारण होता है, कारण तो हम लोग जान गए हैं क्योंकि औद्योगिक क्रांति होने के बाद ही कारण स्पष्ट होने लगा था कि कौन वर्ग क्या हो रहा है, शोषित हो रहा है, कौन वर्ग को दिक्कत हो रही, कौन से वर्ग को दिक्कत हो रही है, तो ये सब सारी चीज़ें उभर कर आने लगी थी। लेकिन बोल्सेविक क्रांति के भी वही कारण है। पहला जो कारण है बोल्सेविक क्रांति का वो है आपका किसानों की दुर्दशा। ठीक है, किसानों की दुर्दशा मतलब वही मैंने बोला ना कि जब मशीनीकरण हो जाएगा, आधुनिकरण हो जाएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, किसान जो है धीरे धीरे हटाए जाने लगे, उनका जो काम है वो खत्म होने लगेगा। जो पूंजीपति वर्ग है चाहे जमींदार वर्ग है, वो क्यों चाहेगा कि हम लोग ज़्यादा मतलब पैसा दे दे के हम किसानों को ये करें, मतलब कि रिक्रूटमेंट करें, मतलब उनको मतलब कि खेती पर रखें, ठीक है, और पैसा दें, क्यों दें, लेकिन मशीनों से क्यों नहीं काम करवाएं। तो ये चीज़ होता है, किसानों की दुर्दशा होने लगती है। फिर औद्योगिक मजदूरों का भी वही हाल होता है, मतलब कि औद्योगिक कारखाने जो होते हैं वहाँ पे भी मशीनीकरण ज़्यादा हो जाता है और जो लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो कहीं ना कहीं रोड पर आ जाते हैं। उसके अलावा जो होता है काम,
कि एक रूसीकरण का एक रूसीकरण का एक दौर चलता है। रूसीकरण का दौर क्या है कि रूस में जो लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि जो मेन लोग हैं वहाँ के, वो अपना एक संस्कृति, अपनी एक धारणा बना लेते हैं, और जो वहाँ के अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, उनको उनको पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है, उनको मतलब समाज से हटा दिया जाता है। तो वहाँ पर उन लोगों के बीच में भी क्या होता है, एक असंतुष्टि आ जाती है। उसके अलावा जो मेन कारण है कि 1905 में जापान से पराजित हो जाता है, कौन, रसिया, ठीक है, उसके पीछे क्रीमिया युद्ध में भी पराजित हुआ रहता है रसिया, 1905 में जापान से भी पराजित होता है रसिया, और जापान समझ लीजिए जापान इतना छोटा सा, और रसिया को देखिएगा आप मैप में तो कितना बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, और मतलब कि मानव संसाधन की दृष्टि से, चाहे सारे संसाधन की दृष्टि से जापान से कहीं बहुत बड़ा है रसिया, और वहाँ उससे पराजय मिलती है तो लोगों में क्या होता है, लोगों में द्वेष आ जाता है, और लोग बोलते हैं कि तुम कुछ भी, मतलब कि सरकार कुछ भी टैकल ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, जारशाही शासन है, जारशाही मतलब कि राजतंत्र है वहाँ पे अभी उस समय 1905 में, और लोग बोलते हैं कि सिर्फ अय्याशी में और सिर्फ चीज़ों में आप मतलब कि लिप्त हैं, तो कोई आपसे काम हो नहीं रहा है, ना आप रक्षा कर पा रहे हैं देश की, ना सीमाओं की, ना मतलब रसिया की, ना लोगों की रक्षा कर पा रहे हैं, ना रोटी दे रहे हैं, ना कपड़ा, ना मकान, कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किस चीज़ के मतलब कि आप किस चीज़ का शासन कर रहे हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ 1905 में क्रांति हो जाती है, और 1905 में क्रांति होती है तो वहीं पे क्या होता है कि 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग की ओर क्या होता है कि लोग जा रहे होते हैं, मतलब कि उधर ही सेंट पीटर्सबर्ग में शायद जारशाह होते हैं, मतलब जो शासक होते हैं उनका राजमहल होगा या मतलब कि जो भी भवन होगा उसकी तरफ जा रहे होते हैं लोग, और रोटी दो का नारा यहाँ पे निकल कर आता है, और 9 जनवरी 1905 को, मतलब कि इसको आज के कैलेंडर की दृष्टि से देखेंगे तो आप 22 जनवरी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय पुराने कैलेंडर से देखेंगे तो 9 जनवरी आपकी किताब में दिया होगा। तो 22 जनवरी को क्या होता है कि जब जनता जा रही होती है तो जारशाह का देखिए ये मतलब कि एक तानाशाही देखिए उसके मन का बढ़ना, कि वो डायरेक्ट आदेश दे देता है सैनिकों को कि आप उन पर क्या कर दीजिए, गोलियाँ चला दीजिए, ठीक है। तो 9 जनवरी 1905 या 22 जनवरी 1905 को अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, और वहाँ पे वो उसी समय सारे लोग जो क्रांति में भाग ले रहे होते हैं, रोटी दो का नारा लेकर सड़क पर उतर आए होते हैं, उनकी लाशें भी जाती हैं, और वो दिन 22 जनवरी 1905 रूसी इतिहास का सबसे गंदा दिन, और उसे खूनी रविवार, वो रविवार का दिन था, और खूनी रविवार या खूनी क्रांति के नाम से उसको मतलब कि आज भी मौजूद है, और आज भी लोगों के जहन में वहाँ पे मौजूद है। ये जारशाह का बहुत ही बड़ा, तानाशाही का बहुत ही बड़ा ये था, उदाहरण था। अब उसके अलावा आते हैं हम लोग, हो गया फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिफीट, ठीक है, मतलब कि पहले प्रथम विश्व युद्ध में भी रसिया को वही मतलब कि जर्मनी से ये मिलता है, मतलब कि पराजय मिलती है जर्मनी से, और मतलब कि मित्र राष्ट्र में ही रहता है फिर भी मतलब पराजय मिलती है रसिया को, ठीक है, तो इससे भी लोग क्षुब्ध रहते हैं। 1917 में ही मिलती है करीब, और 1917 में वही बात होती है कि उसी समय क्या होता है, मार्च क्रांति आती है 7 मार्च 1917 को, ठीक है, 7 मार्च 1917 को वही किसानों मजदूरों आदि का सब लोगों का क्या होता है, एक क्रांति होता है, वही नारा होता है, रोटी दो का नारा होता है। फिर क्योंकि ये जो 1905 में जो पराजय होती है, 1905 में जो क्रांति होती है उसको दबा दिया जाता है, मैंने बोला कि खूनी रविवार हो जाता है, ठीक है, 22 जनवरी को, और उसके बाद जो मार्च क्रांति होती है इसमें भी वही लोग भाग लेते हैं, और लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है क्योंकि जनता त्रस्त हो गई रहती है 12 सालों में, और 1917 में फिर से हार मिलती है द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, और एक बार विश्व अगर युद्ध आप युद्ध में आप घुस गए, ठीक है, युद्ध में आप शामिल हो गए तो उसके बाद आपकी जो अर्थव्यवस्था है चाहे जो भी चीज़ है वो 10-15 से 20 साल तक, ठीक है, पीछे चली जाती है, मतलब कि आपके आपका ये मतलब इतिहास गवाह है, चाहे वो इंडिया के साथ जब भी मतलब 1962 में हम लोग साथ हुए, 1965 में हम लोग के साथ युद्ध हुआ, हम लोग पीछे ही गए, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं जर्मनी में हिटलर, अब भी आगे अगर मतलब कि कभी पढ़ने को मिलेगा तो आप पढ़िएगा कि जब हिटलर भले ही सारे विश्व पे मतलब कब्जा करने में या मतलब अपना प्रभाव छोड़ने में मतलब कि ये रहा कामयाब रहा, लेकिन जर्मनी की हालत जो थी उस समय, ठीक है, उस समय जो जर्मनी की हालत थी वो बहुत ही बुरी थी मतलब कि युद्ध में शामिल होने के बाद, ठीक है। तो इसी तरह तो हम लोग मार्च क्रांति जो होती है 7 मार्च 1917 को, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 8 मार्च को
जितनी महिलाएं होती हैं कारखाने की, जो महिलाएं होती हैं, जो किसान मजदूर मतलब महिलाएं होती हैं, वो भी शामिल हो जाती हैं और वो बहुत बड़ा क्रांति मतलब की लाती हैं। उसके अलावा जब मतलब कि प्रायो ब्रांसेंस की रेजिमेंट, ठीक है, ये भी अभी तो उस समय भी जरा सा ही चल रहा है, और वो आदेश देता है फिर से, इसका सबसे बड़ा मतलब कि रेजिमेंट होता है सैन्य रेजिमेंट, और इसको इसको आदेश देता है कि आप क्या कीजिए, आंदोलन को कुचल दीजिए, आंदोलन को मतलब कि आप लोग आप गोलियां चलाइए फिर से, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ये भी कहीं ना कहीं क्षुब्ध हो गया होता है पूरा रेजिमेंट, पूरा सेना, और वो बोलता है कि नहीं, इस आदेश के खिलाफ मैं जाऊंगा और इस किसी पे गोली नहीं चलाता है ये रेजिमेंट, कोई मतलब सेना का जो जवान होता है वो ये नहीं करता है, और विद्रोह कर देता है, ठीक है। और इस तरह से 12 मार्च को हम लोग देते हैं राजशाही वहां से खत्म हो जाता है, और राजनीतिक रूप से हम मतलब कि रसिया में शक्तियां मिल जाती हैं, मतलब कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को क्या मिल जाता है, वयस्क मताधिकार मिल जाता है और राजनीतिक शक्तियां मिल जाती हैं, और वहां पे पहली बार बोल्शेविक सरकार स्थापित होती है। अब उसके बाद यही नहीं, अब यहीं पे ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है, एक नया चैप्टर शुरू होता है रसिया की मतलब कि इतिहास में, रसिया के इतिहास में, ठीक है, जहाँ पे कि साम्यवाद और उभर कर आता है, और लेनिन का यहाँ से मतलब कि कहानी स्टार्ट होता है, ठीक है। अब लेनिन आ जाते हैं बोल्शेविक क्रांति करने के लिए 9 नवंबर 1917 में, क्योंकि ये भी बोल्शेविक दल के ही सदस्य होते हैं, और इनको क्या कर दिया जाता है मतलब कि जो देश निकाला कर दिया गया होता है, लेकिन जर्मनी के सहयोग से जो लेनिन है वो वापस आते हैं कहां पे, रसिया में, और रसिया में आकर अपना नेतृत्व संभालते हैं, और वहां पे एक थेसिस देते हैं, अप्रैल थेसिस करके एक थेसिस देते हैं, बोल्शेविक दल को एक मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे लेके चलना है इस आंदोलन को, ठीक है। उसके तो आंदोलन के देने के मतलब कि ये थेसिस दे देते हैं। उसके बाद 7 नवंबर को क्या होता है, 7 नवंबर 1917 को क्या होता है कि जनता के साथ मिलकर जनता का सहयोग पूरा मिलता है, और जो सरकार अभी रहती है वो भी पूरी तरह से क्या होती है कि जनता के बारे में नहीं सोच रही होती, राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई होती हैं लेकिन पूरी तरह जनता के बारे में नहीं सोच रही होती हैं, तो जनता के द्वारा क्रांति होती है 7 नवंबर 1917 को, ठीक है, और विजय प्राप्त होता है, और वहाँ पे लेनिन को सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं मतलब कि रशिया में, और रशिया में लेनिन को शक्ति मिलने के बाद, लेनिन का सत्ता संभालने के बाद सबसे बढ़िया बात लेनिन की ये होती है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि लेनिन को रशिया के जन्मदाता भी आप कह सकते हैं, या साम्यवाद का जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि उसने परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरह संभाला। कुछ लोग आलोचना भी करते हैं कि उन्होंने रशिया कुछ पार्ट्स को मतलब जर्मनी को दे दिया, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ का महत्व नहीं था, वहाँ पे महत्व था आपके शांति की, समृद्धि की, और आपके जनता की खुशहाली की, और किसान और मजदूरों आप और अंदर में जो आपके आंतरिक जो गृह कलेश चल रहा था या गृह युद्ध चल रहा था उसको समाप्त करने का समय था। तो लेनिन ने उस चीज़ को बिल्कुल वाजिब ठहराते हुए और समझते हुए उस मौके की नज़ाकत को, और ब्रेस्टनी वोस्टक संधि जो होता है वो जर्मनी के साथ करता है, और जर्मनी को कुछ पार्ट्स जो है रसिया का कुछ पार्ट्स जो है मतलब कि जर्मनी को दे देता है, और अपने युद्ध से क्या होता है भाई, युद्ध से बाहर निकल आता है, ठीक है, युद्ध से बाहर निकल आता है। देखिए मेरा गला सूख रहा है, ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप मतलब कि इस चीज़ को अगर शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और बेल आइकन नहीं दबा पाते हैं, और आगे सब शेयर नहीं करते हैं बच्चों में, तो ये गुनाह ही है, मैं तो कहूँगा गुनाह ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसको, इस वीडियोज़ को बनाने में, और सब कुछ समझ के, और सब कुछ आपके सामने रखने में। तो चलिए खैर, लेकिन ब्रेस्टली वोस्टक जो संधि होती है उसके द्वारा क्या होता है, सबसे बड़ा काम क्या कर दिया लेनिन ने कि वो द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आंतरिक विद्रोह हो रहे होते हैं, ठीक है, आंतरिक विद्रोह जो हो रहे होते हैं उनको भी दबाने का काम है अभी, तो उनको दबाने के लिए चेका पुलिस संगठन करके लेनिन ये करता है, मतलब कि एक संगठन बनाता है पुलिस का, और जो अंदर में विद्रोह हो रहा होता है, जो मतलब कि व्यवस्था को मतलब जो चौपट करने के चक्कर में रहते हैं उनको बिल्कुल हटा दिया जाता है, और उनको विद्रोह से ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें वो टैकल कर लेता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियाँ थी कुछ अलग थी, और रसिया जो है विश्व युद्ध में हारा हुआ था, एक युद्ध में हारा हुआ था, तो उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा तानाशाह टाइप का ये होता है, व्यवहार करता है, और किसानों से थोड़ा जबरन मतलब कि थोड़ा सा वसूली करता है, लेकिन किसानों के फिर आपत्ति जताने पर वो ले आता है क्या, अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी किताब में दिया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा एक दो
चीज़ें पढ़ दूं कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर क्या हो गया कि एक निश्चित कर लगा दिया गया और बचा हुआ अनाज किसान का था और वो इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है, है ओके। उससे उसके अलावा 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया, समझ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मतलब राज्य हट गया, ठीक है, पूंजीपति वर्ग हट गया, वर्ग हट गया, अब कौन चला रहा है, 20 मजदूर मिलकर एक कारखाना चला रहे हैं, एक उद्योग चला रहे हैं। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित कर दी गई, मतलब विदेशी पूंजियों का ज्यादा आगमन नहीं था, ठीक है। उसके अलावा विभिन्न स्तरों पर बैंक खुले गए, ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता सदस्यता समाप्त कर दी गई, ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब की सुधार, बहुत बढ़िया सुधार न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा लाया गया लेनिन से। उसके अलावा उसके बाद हम लोग देखते हैं, इतने सुधार के बाद रसिया करीब करीब ट्रैक पर आ चुका था, उसके बाद एक और नेतृत्व की जरूरत थी क्योंकि लेनिन शायद मतलब डेथ कर चुके होंगे चाहे कुछ भी, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उसके बाद स्टालिन का नेतृत्व आता है और स्टालिन इस चीज़ को बखूबी समझता है और स्टालिन के नेतृत्व में बहुत ही बड़ा मतलब कि रसिया जो है यूएसएसआर मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ बनकर एक तरह से देश के सामने आता है और एक बहुत ही बड़ा शक्ति बनकर उभर कर सामने आता है। तो अब आते हैं कि रसिया क्रांति तो हो गया और सारा कुछ मतलब कि एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद रूसी क्रांति का प्रभाव देखते हैं। अब रूसी क्रांति जब हो गया तो क्रांति का प्रभाव जो होता है अच्छा ही होता है, मैंने हमेशा से बोला है आंदोलन का या क्रांति का प्रभाव हमेशा से अच्छा रहा है। तो रूसी क्रांति का सबसे पहला प्रभाव होता है कि जो सर्वहारा वर्ग है मतलब वही किसान मजदूर या मतलब शोषित वर्ग जो भी है उनका एक तरह से क्या होता है अधिकार या मतलब कि शासन पर अधिकार हो जाता है जैसे मैंने बताया। उसके बाद दूसरा चीज कि रसिया एक बहुत ही बड़े मतलब कि उस पे मंच पे विश्व के मंच पे बहुत ही बड़ा देश शक्तिशाली देश समृद्ध देश बनकर उभरा। तीसरा कि दो देशों के बीच मतलब कि दो ही मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ही देश रह गए जो कि शक्तिशाली थे, एक अमेरिका और एक रसिया, जिसके जिन दोनों के बीच में क्या हुआ एक कोल्ड वॉर भी चला, ठीक है, शीत युद्ध भी चला। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये उभर कर आई रसिया क्रांति के बाद, ठीक है, रसिया क्रांति के बाद। और इस तरह से हम लोग समझे कि समाजवाद और साम्यवाद किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से आगे बढ़ता गया, बढ़ता चला गया, और हमने सारी चीज़ों को समझने का पूरी तरह से कोशिश किया, ठीक है, ओके दोस्तों, बाय, और आगे इस वीडियो को शेयर करते रहें, ओके।